टी20 भारत ने न्यूजीलैंड को 7 रन से हराया। भारत 163 3 विकेट पर 20 ओवर में, यह भारत का स्कोर। न्यूजीलैंड 156 9 विकेट पर 20 ओवर में महज इतने ही रन बना सका। भारत ने टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया ने टी20 सीरीज 5-0 से अपने नाम की है। बुमराह 3, शार्दुल और नवदीप को 2-2 विकेट आज हाथ लगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की माउंट माउंगानुई, टी20 भारत यहां पर 5वां मैच अपने नाम कर गया है और इसी के साथ सीरीज पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दी है भारत ने। तो 163 रन भारत ने बनाए और 9 विकेटें खोकर न्यूजीलैंड महज 156 रन ही बना सका। तो एक बहुत बड़ी जीत, पहली बार टी20 सीरीज पर कब्जा किया है न्यूजीलैंड की सरजमी पर भारतीय टीम ने। बहुत बड़ी कामयाबी, वो भी क्लीन स्वीप के साथ, जहां अक्सर भारतीय टीम जो है फिसल जाया करती थी। भारतीय टीम जो है न्यूजीलैंड की कंडीशन में उतनी आसानी से अपने आप को, रोहित पांडे हमारे खेल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी ये कामयाबी भारतीय टीम के लिए, भारत के लिए, क्लीन स्वीप किया है टी20 सीरीज को अपने नाम किया है भारतीय टीम ने। जी बिल्कुल कुलदीप, बता देना चाहेंगे भारत ने इतिहास रचा है और एक बड़ा इतिहास है, और न्यूजीलैंड की धरती पर जाकर इतना बड़ा इतिहास रचना किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं आंका जा सकता है। पिछले 5 मैचों में जिस तरीके से भारत टीम ने खेल का प्रदर्शन किया है, और आज जब कप्तान के बिना विराट कोहली उतरी तो 163 रन का स्कोर जब 3 विकेट पर किया रोहित शर्मा ने शानदार और शतकीय पारी खेली कप्तान के रूप में, वहीं न्यूजीलैंड को 156 रन पर रोक कर 9 विकेट पर भारत ने यह बता दिया कि वो अब दुनिया के किसी भी पिच पर शानदार तरीके से जीत सकते हैं। हालांकि स्टेफर्ड ने जो विकेट कीपर थे उन्होंने थोड़ा दिखाया कि वो टीम को वह जिता सकेंगे, लेकिन एक भी न चली। जसप्रीत बुमराह जो कि वो के सबसे बेहतरीन बॉलर है उनके आगे, नवदीप सैनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, शार्दुल ठाकुर ने भी 2 विकेट लटकाए, वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट लिया। तो ओवरऑल अगर ये परफॉर्मेंस देखें भारत की तो बहुत बेहतरीन रही, और पिछले 2 मुकाबले सुपर ओवर में गए, वहां पर भारत ने दिखाया कि वो किस तरीके से जीत दर्ज कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, और फिर उसके पहले जो 2 मैच हुए और आज का जो आखिरी मैच हुआ वो सब। रोहित, टर्निंग पॉइंट क्या रहा इस पूरे मैच का, क्योंकि हम देख रहे थे कि भारत का स्कोर भी कुछ ज्यादा नहीं था और उसके बाद मिडल जो लाइन के बैट्समैन है वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले न्यूजीलैंड की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए जब भारत ने 163 रन का स्कोर खड़ा किया तो उतना बड़ा स्कोर नहीं माना जा रहा था, लेकिन जब टीम में केन विलियमसन ना हो न्यूजीलैंड के तो ये बड़ा स्कोर होता है, जैसे पिछले मैच में हुआ 165 का स्कोर भी नहीं चेस कर पाए न्यूजीलैंड, तो आज भी वही हुआ। पहले 3 विकेट जल्दी गिरे लेकिन उसके बाद रॉस टेलर और जो कि सबसे अनुभवी प्लेयर है उनके और सेफर्ड ने बेहतरीन तरीके से पारी को संभाला और 100 रन की लगभग 99 रन की भागीदारी की, तब लगा कि एक बार भारत के हाथ से मैच निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बॉलिंग हुई भारत की तरफ से, शार्दुल ठाकुर खासकर, सैनी की तरफ से और बुमराह की तरफ से, तो एक बात ये कह सकते हैं कि रॉस टेलर का विकेट और सेफर्ड का टिपिक विकेट इस मैच में टर्निंग पॉइंट रहा और भारत इस जीत के करीब पहुंचा और विश्व रिकॉर्ड बनाया है 5-0 से क्लीन स्वीप घर का न्यूजीलैंड में। बहुत शुक्रिया रोहित पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।